हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूं, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अर्चना, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अर्चनास ब्लू हाउस ब्लॉग में। अब मैं मॉर्निंग वॉक को निकल चुकी हूं, सूरज की धीमी धीमी रोशनी आ रही है, लेकिन अभी कोई भी पार्क में नहीं घूम रहे हैं, मैं अकेली घूम रही हूँ। चलो देखते हैं फाउंटेन की व्यू। यहाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेरा मेडिटेशन पूरा हो चुका है, वापस मैं घर की ओर जाऊँगी और एक्सरसाइज करूँगी। आज मैं लंच की वीडियो आपसे शेयर करूँगी, चलिए देखते हैं मैं क्या बनाऊँगी आज। आज मेरा लंच होगा आलू गोभी की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। सब्जी के लिए मैं आलू बॉयल करके चॉप करके रख चुकी हूँ। मैं यहाँ सब्जी तैयार करने के लिए सारी सामान रेडी करके रखी हुई हूँ। फूल गोभी भी मैं चॉप करके रख चुकी हूँ। और मसाले के लिए मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अब जो यहाँ मसाला मैं डालूँगी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, सब्जी मसाला, गर्म मसाला और हल्दी। सब्जी में छौंक लगाने के लिए मैं यूज करूँगी तेजपत्ता, सूखी मिर्च और पचफोरन। और ये टमाटर और प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, इसे मैं पीस लूँगी मिक्सी में। यहाँ मैं मसाला पीस करके रेडी कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें सारे सूखे मसाले फेंट करके मिक्स कर दूँगी, जिससे कि ये कुछ देर में अच्छे से मिल जाए। तवा हमारा गर्म हो चुका है। सब्जी फ्राई करने के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से यूज कर लेना। यहाँ गोभी फ्राई कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए इसे ढक के पकाएंगे, क्योंकि ये जल्दी सीझता नहीं है, इसलिए ढक ढक के इसे पकाना होता है। अब मैं इसे धीरे धीरे फ्राई कर रही हूँ। देखो, हल्का गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे दूसरे बॉल में शिफ्ट कर लूँगी। गोभी हमारा शिफ्ट हो चुका है, अब पैन हमारा गर्म है, इसी में मैं मसाले भूजूंगी। इसके लिए मैं पहले छौंक लगा लेती हूँ। छौंक लगाने के बाद सारे मसाले डाल दूंगी, मसालों के साथ ही भून लूँगी। अब सारे मसाले को धीमी आंच पे तब तक भूनूंगी जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब मसाला हमारा भून चुका है, बचा हुआ आलू मैं इसमें डाल रही हूँ और आलू के साथ इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें गोभी डाल रही हूँ, गोभी को मसाले के साथ थोड़ी देर भूंजेंगे। भूनने के बाद जब ये मसाला मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, जब ये सब्जी के साथ मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो सोनी सोनी खुशबू आने लगेगी। आप समझ सकोगे कि हमारा सब्जी पक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी अपने हिसाब से, जितनी मुझे ज़रूरत है। अब हम सब्जी को अच्छे से चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक करके इसे उबाल आने देंगे। ये देखिए, सब्जी हमारा पक चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी और इसके बाद फिर मैं इसे अच्छे से चला लूँगी ताकि ये घुल जाए। सब्जी को दूसरे बाउल में शिफ्ट कर ली। अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी, चलिए देखते हैं। आटे में मैं अजवाइन और कलौंजी डाल करके और हल्का रिफाइन ऑयल डाल करके अच्छे से गूंद करके रख ली थी। अब आटा हमारा सॉफ्ट है, मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ, एक एक करके पूड़ियाँ बेलूँगी। अब यहाँ हमारा पैन गर्म हो चुका था, जिसमें मैं रिफाइन ऑयल डाल चुकी थी। अब मैं पूरी फ्राई कर रही हूँ। पूड़ियाँ मैं रिफाइन ऑयल में ही छाँकती हूँ, आप अपने हिसाब से तल लेना, क्योंकि रिफाइन में इसका टेस्ट अच्छा आता है। देखो, कुरकुरी पूड़ी हमारी तैयार हो गई। अब मैं जा रही हूँ पूड़ी और सब्जी खाने के लिए। खाकर बताती हूँ कि मेरी पूड़ी और सब्जी कैसी बनी थी। वाओ, ऑसम! आप भी कभी टेस्ट करना और मुझे बताना। लंच के बाद मैं थोड़ा सा टहलने के लिए आ चुकी हूँ बालकनी। चलिए मैं आपको अपने बालकनी का व्यू दिखाती हूँ। देखो, चारों तरफ हरियाली, ग्रीन ही ग्रीन। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और आप मुझे और आगे देखना चाहें तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अर्चनास ब्लू हाउस ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।